हेलो गाइस, मैं हूं नवनीत और मैं अभिकल। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग अपने इस विक्की का इस्तेमाल करके उस कार को खींचने वाले हैं। टीवीएस एक्सेल हैवी ड्यूटी इसका नाम है। अभिकल भाई, इससे अपना कुछ राय दीजिए, क्या ये सच में खींच पाएगी? इसके बारे में हम कोई राय कमेंट नहीं देना चाहेंगे। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, जो है आपको रिजल्ट दिखी जाएगा कि क्या यह सक्सेसफुल है कि नहीं है। इसका वजन आप देख सकते हैं, बहुत हल्की गाड़ी है ये। मैं इसे अपने जो है बाएं हाथ से हिला दे रहा हूँ कुछ जो है इसमें, और छोटा 70 cc का इंजन लगा हुआ है। और इसका कंपटीशन है विटारा ब्रेजा के साथ, जो है मारुति सुजुकी की एक बहुत बेहतरीन गाड़ी है, जो बाकी गाड़ियों के मुकाबले स्विफ्ट डिजायर और इग्निस के मुकाबले जो है ये गाड़ी थोड़ा सा वजनदार है। इसमें वजन दिया गया है कंपनी द्वारा, 4-star रेटेड गाड़ी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन सभी गाड़ियों से ये बेहतर है। और देखने वाली बात है कि क्या ये हमारी TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी, जिसे आमतौर पर हमारे क्षेत्र गांव में जो है विक्की बोला जाता है, सही बात तो क्या ये इसे खींच पाएगी कि नहीं, आइए देखते हैं। तो चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पावर बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं बैठ गया हूँ तो ये काफी दर्द चल रहा है। देखने वाली बात होगी किससे क्या होता है क्या नहीं। रिजल्ट आने से पहले ही हम लोग को निराशा लग रही है कि इससे बस बात नहीं होता है। सबसे पहले जो है इस कार को चालू कर लिया जाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियों में सिस्टम है कि बिना इंजन चालू हुए ब्रेक जो है प्रॉपर लगता नहीं है। उसमें से भी पावर स्टीयरिंग है मोटर वाली, स्टीयरिंग भी इसे जो है काम नहीं करेगा, तो इसीलिए सबसे पहले गाड़ी को चालू कर लेते हैं। अब विक्की की बारी है, देख सकते हैं हम लोग 80 पास चुके हैं गाइस, और मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। दोबारा हम लोग अलग तरीके से बांधेंगे। इस बार रस्सी खुल गया था, लेकिन हम लोगों ने फिर से रस्सी बांध लिया गाइस, पर हम लोग ट्राई करते हैं दोबारा इसको। चलो चलो चलो, हो जाएगा थोड़ा सा और। इसी बार तुरंत तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अभिकल भाई को बोलूंगा कि एक बार गाड़ी का थोड़ा रफ्तार अपने आप बढ़ाएं, गियर लगा के इसको बढ़ाएं आगे, ताकि एक मोशन जब बन जाए उसके बाद से इसको खींचा जा सकता है। अभी क्या है कि गाड़ी रुकी हुई, इस वजह से पावर लग नहीं पा रहा है। इसका पावर तब लगेगा जब ये थोड़ी कार चले। है कि इसके बस की बात नहीं है, हालांकि ये सरफेस भी आप देख सकते हैं, सरफेस इसके लायक नहीं। अगर हम इसको पिच पे खींचे तो सकता है कि इस पे खींच सके। 70 cc वाले जो है हमारे TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी में इतना पावर नहीं है जो इसे खींच सके। हालांकि इसे जो है लोडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस पर कई सारा जो है हमने देखा है कि जाने वाले जो बंधु है वो लोग सामान वगैरह इस पर जो है ले आते हैं। हमने गाड़ियों से रस्सी निकाल दिया है और हम इसे सड़क की तरफ ले चल के देखते हैं। अभी सड़क जो है हाल ही में नया नया बना है, जो सड़क पूरा एकदम स्मूथ है। चलिए गाइस चलते हैं। हम लोग आ गए हैं पिच पे और यहाँ पे हम लोग इसको एक बार री ट्राई करने वाले हैं। क्या पता यहाँ पे हम लोग इसको खींच सकते हैं। अभी हाल ही में बनी है, इसका सड़क का ब्लॉग आपने देखा ही होगा, जो है हमने बनाया था मसूरी के ऊपर। ये हमारी गाड़ी चालू हो चुकी है और मैंने जो है गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल में रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं इंजन चालू किया है मैंने। क्यों प्लेन सड़क पे गाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, ये कामयाब हो गई गाड़ी जो है प्लेन सड़क पे जो है इसे खींच ले रही है। अच्छी खासी स्पीड पे जो है ले चली है, लगभग पाँच के बराबर है कि 10 पे स्पीड चली गई इसकी। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इससे
बड़ी इजीली खींच लिया तो ये फील्ड में नहीं खींच पाई है, लेकिन पक्के सड़क पे जब आई है तो इसने अपना जो दम दिखाया है गाड़ी ने, 70 cc का इंजन होने के बावजूद, और ये गाड़ी लगभग 10 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी होने के बावजूद भी ये गाड़ी जो है इतना इसमें कैपेबल है कि इसे खींच ले रही है। और मैंने अंदर से अपना स्पीडोमीटर देखा तो लगभग 10 की स्पीड तक जो है गाड़ी गई थी। ऐसे लंबा खींचना जो है हमारे लिए कोई समझदारी का काम नहीं था, क्योंकि चलता फिरता फर्क है, हादसे भी हो सकते हैं, इसीलिए जो है हमने बस थोड़ा सा ट्राई किया। काफ़ी ज़्यादा रिस्की था क्योंकि हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी देखना था, बड़ी गाड़ियाँ भी चलने इस रोड पे। क्या ये बाइक इस कार को खींच सकती है? हम लोग का एक्सपेरिमेंट का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था। कुल मिलाकर अगर हम लोग नतीजे पर जाएँ तो अगर सरफेस बढ़िया रहेगा, अगर पिच अच्छा रहेगा तो ये बाइक खींच सकती है। प्लेन सरफेस पे जो है ये दम है इसमें। और आज के इस एक्सपेरिमेंट में गाइस अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि इम्प्रूव करना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी तरह की और एक्सपेरिमेंट वीडियो के लिए हमारे एक्सपेरिमेंट 108 चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।